नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटिल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नीट पीछे प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जो है जल्द होगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अब नई तारीखों का ऐलान करने वाला है, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीखों का अब जल्द ही ऐलान होने वाला है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अब जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा। तो नीट परीक्षा आज होने वाली थी जो कि स्थगित कर दी गई है और अब राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई तारीखों का ऐलान जल्द ही करने वाला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अब नई तारीखों का ऐलान करने वाला है। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ये बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण, ये राहुल गांधी ने कहा है। और ये भी आपको बता दें कि मोदी सरकार छात्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी ने बनाया है। ये बताया है कि अब छात्रों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है और पेपर लीक रैकेट के आगे बेबस है पीएम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रखी है। राहुल गांधी ने अब केंद्र सरकार पर, पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नीट यूजी का मामला सीबीआई को सौंपा गया है। अब शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच जो है अब वो सौंप दी है। केंद्र ने विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें पारदर्शी निष्पक्ष परीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी यहां पर होगी और अब परीक्षा प्रक्रिया में जो सुधार को लेकर इसमें सुझाव भी ये कमेटी देने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार को लेकर कमेटी यहां पर अब जो है अपने सुझाव देगी। नीट यूजी का मामला जो है अब सीबीआई को सौंप दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपी है और केंद्र ने विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी भी बनाई है, जिसमें पारदर्शी निष्पक्ष परीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसमें परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार को लेकर यह कमेटी जो है अपने सुझाव देगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, शिक्षा मंत्रालय ने अब सीबीआई को जांच सौंप दी है और केंद्र ने विशेषज्ञों की 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी यहां पर बनाएंगे, जिसमें पारदर्शी निष्पक्ष परीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया और इसमें परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार को लेकर यह कमेटी जो है अब अपना यहां पर सुझाव देगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नीट परीक्षा से जुड़ी यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्रेस मार्क्स पाए गए छात्रों की परीक्षा आज होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की परीक्षा आज होगी। जून के आखिरी हफ्ते में परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जैसे ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन छात्रों की आज परीक्षा है और ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की जो परीक्षा आज हो रही है उनका परिणाम की अगर बात करें तो जून के आखिरी हफ्ते में इनके परिणाम आने वाले हैं। 1563 छात्रों की आज परीक्षा है, जून के आखिरी हफ्ते में परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। पेपर लीक मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। एनटीए के डीजी को हटाया गया है, प्रदीप सिंह खरोला होंगे नए डीजी। और यह भी बताते चले कि डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अब एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है और प्रदीप सिंह खरोला होंगे नए डीजी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है और अब जो है पेपर लीक मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। तो लगातार यहां पर बच्चे मांग कर रहे थे, इसको लेकर अब एनटीए के डीजी को यहां पर हटाया गया है और अब ये नई कमान जो है प्रदीप सिंह खरोला संभालने वाले हैं, यानी कि नए डीजी के रूप में प्रदीप सिंह खरोला यहां पर सौंपेंगे और ऐसे में डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है और एनटीए के डीजी को हटाया गया है, प्रदीप सिंह खरोला अब नए डीजी होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बड़ी कार्रवाई यहां पर सरकार की देखने को मिली। डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है और नई कमान जो है प्रदीप सिंह खरोला संभालेंगे। तो पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। एनटीए के डीजी को हटाया गया है और यह भी आपको बताते चले कि प्रदीप सिंह खरोला जो है अब नए डीजी होंगे।
तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, नीट परीक्षा भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन एक तरफ देखा जा रहा था तो दूसरी तरफ मांग भी लगातार बढ़ रही है। और अब यहाँ पर सरकार का बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला, बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई और एनटीए के डीजी को हटाया गया है और बड़ी जिम्मेदारी प्रदीप सिंह खरोला को सौंपी गई है। नए डीजी के रूप में प्रदीप सिंह खरोला अब जो है यहाँ पर कार्यरत रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पेपर लीक मामले को लेकर अब सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही। जिस तरीके से एनटीए के छात्रों का प्रदर्शन यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, दोबारा से एग्जाम रिकंडक्ट करने की मांग जो है यहाँ पर की जा रही थी। और ऐसे में आज ये भी बताते चले कि 1563 छात्रों के जो ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके एग्जाम आज हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समीक्षा लाइव जुड़ चुकी है। समीक्षा, अब एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है नीट मामले को लेकर जो लगातार मांग की जा रही थी और अब सरकार की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। और जो नीचे आ गए वो दोबारा पेपर देने मौका मिल जाएगा। देखिए, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। नीट के स्टूडेंट्स लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज ये विरोध प्रदर्शन नीट एस्पिरेंट्स के माता पिता कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि किस तरह का संघर्ष किया। भले ही परीक्षा उनके बच्चों की थी, लेकिन पूरे साल भर उस तैयारी में उनकी भी परीक्षा हुई। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नीट एस्पिरेंट। आपका क्या नाम है, कितने मार्क्स आए और अब क्या कुछ शिकायतें आपकी? मेरा नाम हर्ष दुबे, मेरे 627 मार्क्स आए हैं। इस नंबर पे हर बार कॉलेज आराम से मिल जाता है, लेकिन इस बार कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर करके हम लोगों से आगे। काउंसलिंग पर तो रोक नहीं है? हाँ, तो यही तो दिक्कत है, काउंसलिंग पे रोक आप क्यों नहीं लगा रहे? आप दोबारा से एग्जाम कराने की क्यों बात नहीं कर रहे? आप सिर्फ बहका रहे हैं कि डीजी को हटा दिया, ये डीजी वगैरह अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हमें अगली बार से क्या मतलब है? आप इस बार क्या कर रहे हो उससे मतलब है ना, क्योंकि हमारा तो एग्जाम इस बार हुआ है ना, तो हमें तो इस बार से मतलब है। आप अगली बार सारी सुरक्षाएं कर देंगे, आप अगली बार सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, वो तो सारी बातें नेक्स्ट ईयर के लिए है ना। लेकिन इस बार मेरा तो पेपर इस बार हुआ है ना, मेरा फ्यूचर तो इस बार दांव पे लगा हुआ है, तो आप इस बार करिए ना एक्शन। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, आप एस्पिरेंट नहीं है लेकिन सपोर्ट देने के लिए आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा बस यही मुद्दा है, पहले दिन से हम इन बच्चों के साथ हैं। भारत सरकार ने जब सीबीआई जांच करवा दी, आपने एनटीए के जो डीजी थे उनको आपने बर्खास्त भी कर दिया, आप तुरंत जो है काउंसलिंग पे रोक लगाइए और रीनीट करिए। हमारा सिर्फ एक ही एक मुद्दा है, पटना में पेपर लीक हुआ उसके पूरे साक्ष जो है शिक्षा मंत्री को मिल गए हैं, गोधरा में कैसे कांड हुआ, कैसे 32-32 लाख में गरीब बच्चों का 16-16 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का हक जो है इन दलालों ने लूटा। आपने एनटीए के सुबोध जी को आपने बर्खास्त कर दिया, आप उन पे कार्रवाई करिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो एनटीए के अंदर हैं। पेपर लीक का मामला है और अंदर इंटरनल सेटिंग का मामला है। 50,000 से 60,000 ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते थे वो गवर्नमेंट सीट लेंगे, और हर्ष जैसे और बहुत सारे हजारों बच्चे, गरीब के बच्चे, किसानों के बच्चे जो 16-16 घंटे पढ़ते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो मेहनत है, उस पे आप लोग जो है लगाम नहीं लगा सकते। मैं मोदी साहब से, प्रधान साहब से सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, नीट को आप फिर से कराइए। हमारा एक ही एक मुद्दा है, री नीट फॉर ऑल 23,33,000 स्टूडेंट। देखिए, ना सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर भी यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपके बच्चे के कितने नंबर आए हैं? ये बच्चा हर्ष दुबे हमारा बच्चा है, मैं यूपी कन्नौज का रहने वाला हूँ, मैं 6 तारीख से दिल्ली में हूँ। उसके बाद में प्रधान जी से, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी मुलाकात हुई, मुझसे मिले, अच्छा लगा कि मिले, लेकिन इतना ही अच्छा लगा कि मिले, अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे कोने में एक डर है, वो जो दिल्ली के एम्स में किनको पहुंचाना चाहते हैं, चीटिंग वालों को एमबीबीएस कराना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, कि ऐसे ही विश्वगुरु बनाया जाएगा कि चीटिंग वाले बच्चे एमबीबीएस करेंगे, और जो 16 घंटे अपनी मेहनत करते हैं, किसानों को, गरीबों के बच्चे जिनके लिए सीटें बनाएंगी, जो मेहनत से पाए, उनको निकाल दिया जाएगा, ये क्या होने वाला देश के अंदर? और अगर ऐसे ही होता रहा, सुबोध जी को आपने कर दिया बर्खास्त, कल आपने सीबीआई जांच कर दी, 2 महीने के बाद किया, आपको 4 जून को जो पेपर लीक हुआ, 5 को खबर लग गई, और दूसरा कल मैंने टीवी माध्यम पर लीक की खबर तो पेपर शुरू होने से पहले लग गई, लेकिन उसको अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी नहीं मान रहे हैं। यही तो बात समझ में, वो क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या समस्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस शब्द को नहीं मान रहे हैं, रीजन क्या है इसका? बात यह है कि जो बच्चे इसमें पहुंचेंगे, जिन्होंने अपने पैसे दे दिए, अगर रिनीट नहीं कराएंगे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, और पैसे लाखों में नहीं, पैसे करोड़ों में हैं। एक घपला जब खुलेगा तो बहुत बड़ा निकलेगा। लॉर्ड प्रधान जी से हमारा विशेष अनुरोध है, धर्मेंद्र प्रधान जी से,
कि रीनेट करवाएं तुरंत। आपने एनटीए का उसका कर दिया, क्या नाम, नेट का कर दिया है, आज आपने पेपरों को कैंसिल कर दिया है। इतने हम तो नहीं जानते सारे पेपरों को, क्यों हम किसान हैं, लेकिन आप न्यूज रोज देखते हैं, आप बहुत कुछ धीमे धीमे करते हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। आपने सारे पेपर बंद कर दिए, लेकिन इसको क्यों नहीं दोबारा कराना चाहते हैं? रीनीट की मांग आपकी तरफ से की जाए? हमारी मांग नहीं, हमारी ये तो सबसे बड़ी यही मांग है कि इसको रीनीट जरूर कराइए, और अगर आप नहीं कराते हैं, आप नहीं कराते हैं तो हमारे दिलों में बैठ जाएगा कि आप मुन्ना भाई एमबीबीएस एम्स में निकालना चाहते हैं। इस दिल्ली के जो एम्स मेडिकल कॉलेज है उसमें आप मुन्ना भाई एमबीबीएस बैठाना चाहते हैं, और यही आपका पक्का मकसद है। अगर आप नहीं कराते तो सिर्फ आपका एक ही मकसद है, और नहीं मानते हैं तो आप 600 के अंदर मार्क्स वालों को करा लीजिए, सिर्फ आप टोटल नहीं करवा पा रहे हैं तो 620 से 720 के अंदर करवा दीजिए, निकल आएंगे कितने बच्चे इसमें हैं धांधली वाले। आप ऐसा नहीं कर सकते, हर पेपर में दो पेपर हो, तीन पेपर होते हैं, यानी कि आर्मी भर्ती में जानते हैं कि एक दौड़ हुई, फिर दूसरी नाप हुई, फिर तीसरा पेपर हुआ, कई बार में होते हैं, इसमें नीट को एक ही पेपर होता है। अरे आपके 620 वालों को आगे बढ़ा दीजिए और देख लीजिए क्या होता है, दोबारा पेपर करवा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा। और कुछ मैंने देखा टीवी पे, कुछ बच्चे कहते हैं हमारा तो आ गया, हमारा दोबारा नहीं होगा। हम कहते हैं नीरज चोपड़ा ने जितना भाला पहले फेंका उतना दोबारा फेंकेगा, दिन में 10 बार फेंकेगा, दिन में 14 बार फेंकेगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं मेरा दोबारा कहीं ना आया, उनके अंदर डर क्यों है? यही तो डर है, लोग बहुत चीटिंग से पहुंचे हैं। जो बच्चे कन्फर्मेशन पहुंचे उनको मालूम फिर कराएंगे तो फिर आ जाएंगे। हमारे साथ बच्ची जुड़ी हुई, आज नहीं आई, हो दिल्ली की, नोएडा की रहने वाली है, उसके 670 मार्क्स हैं। वो बार बार कहती है कि हमें 670 में अच्छा कॉलेज मिलता, मुझे आज अच्छा कॉलेज नहीं, मार तो जाऊंगी मैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे अच्छे बच्चे चाहते हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घोटाले के द्वारा पहुंचे हैं। की यहाँ पर मांग की जा रही है पेरेंट्स की, धर्मेंद्र प्रधान के समझते नहीं है, सब कुछ जानते हैं। मैं उनके आपस में मिला, शायद हमारी बात अगर वो सुनेंगे तो उनको धक्का लगेगा। आज तक जितने मंत्रियों के पास कोई बंदा गया तो लोगों ने उनसे कहा मंत्री मैं ऐसा फोटो खिंचाना चाहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझसे कहा फोटो खिंचाएंगे, मैंने कहा नहीं, जो आपके सचिव खड़े मैं उनके साथ खिंचाऊंगा फोटो। और मैंने उनके सचिवों के साथ फोटो खिंचाई, मैंने धर्मेंद्र के साथ फोटो नहीं खिंचाई। उन्होंने सोता अपने कैमरा पर बुला के, और जो मैंने मोमेंट दिया उसमें फोटो खिंचाई और वही मीडिया पर डाल दी। मैंने अपने आप नहीं खिंचाई, अपने फोन में खिंचाई, मैंने अपने फोन में जो सचिव थे मैंने उनसे कहा, जो उप सचिव सचिव थे, मैंने कहा सर इस कुर्सी पर तो पढ़े बिना पढ़े बैठ जाते हैं, आप तो समझ रहे हो इसके अंदर है क्या कपला। वो मुस्काए, बोल नहीं सकते कि मुख्यमंत्री पर बजाय आओ क्या आगे। आपके बच्चे ने नीट एग्जाम दिया? जी मेरी भतीजी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, और इस बार उनके 590 नंबर आए हैं जी। और लेकिन उनके इस एग्जाम में जो जिस प्रकार की चीटिंग चल रही है और जो मीडिया के अंदर खबर चल रही है उससे काफी साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है जी। और इस प्रकार जो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस प्रकार की न्यूज चल रही है कि 40-40 लाख में बच्चों से एग्जाम में पैसे लिए जा रहे हैं, इससे सीधा सा पता चल रहा है कि आम कर्मचारी का हाथ नहीं है इसमें, बड़े बड़े विभाग के और बड़े बड़े मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए रीनीट के द्वारा एग्जाम के लिए यहाँ पर सभी अभिभावक खड़े हुए हैं, और उसी के लिए हम सभी की मांग है। अच्छा हर्ष, आपने कहाँ से तैयारी की और कितना टाइम आपने दिया? एलन कोटा से तैयारी करी थी, इस बार मैंने सेल्फ स्टडी करी है क्योंकि पहले की प्रिपरेशन कर रखी, तो हमने इस बार सिर्फ सेल्फ स्टडी करी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, और इसी से मतलब प्रिपरेशन हो गई मेरी। सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि, और उनका कहना कहीं ना कहीं हो सकता है जायज भी हो, कि अगर दोबारा से एग्जाम होता है तो हो सकता है हम उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए जितना हमने इस बार किया, लेकिन वही जो रीनीट की मांग लगातार, लेकिन उस स्कोर अगर आप थोड़ा सा कम भी स्कोर करेंगे तो भी तो रैंक अच्छी आएगी ना। आपको रैंक से मतलब है या स्कोर से? अगर स्कोर बहुत अच्छा भी आए फिर भी अगर रैंक नहीं आ रही तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर जिन बच्चों के 720 नंबर आ रहा है और उनको भी हम दिल्ली नहीं मिल रहा है तो उस नंबर का क्या मतलब है? तो रैंक से रैंक का मतलब है ना कि नंबर का। अभी आपकी पूरी तरह से मांग है कि रीनीट हो, दोबारा से एग्जाम। बिल्कुल, क्योंकि आप जो चीटिंग कर करके बच्चे आगे निकल गए उनको निकालेंगे कैसे आगे? क्योंकि जो बच्चों ने चीटिंग करी है आप कैसे पहचान पाएंगे कि भाई इसने चीटिंग करी है इसने नहीं करी है? अगर मुझे पेपर मिल गया है तो हमने कितने लोगों को पेपर दिखाया है ये तो कोई नहीं पता कर सकता ना कि हमने कितने लोगों को पेपर बताया है। आपके यहाँ से किसने परीक्षा दी है? हमने परीक्षा नहीं दी, हम यहाँ पर सहयोग करने के लिए आए स्टूडेंटों का। तो हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं कि जिन स्टूडेंटों के साथ गलत हुआ है उसका रीनीट दोबारा से होना चाहिए, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट वो सफल हो सके। आपके यहाँ से किसी ने परीक्षा दी है या आप सपोर्ट करने आए हैं? सपोर्ट करने आया हूँ, मेरी बेटी ने भी परीक्षा दी है। और पहले तो मैं आप चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस आवाज को उठा रहे हैं। फिर इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, नेतृत्व किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 24 लाख परिवारों की ही बात नहीं है, ये आने वाला भविष्य है देश का। अब तो 24 लाख है, आगे फिर 24 लाख की जगह 30 लाख होंगे बच्चे, फिर आगे ये तो पूरे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो डॉक्टर जो
कमजोर हैं, वो क्या ऑपरेशन करेंगे, वो क्या देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो मेरा यही सरकार से कहना है, हमारे जो अभी एक रूल रेगुलेशन निकाला है बहुत अच्छा है, कानून बनाया है, लेकिन मेरी यही मांग है सरकार से कि रीनीट कराया जाए, दोबारा से नीट का पेपर हो, जिससे देश के भविष्य का फैसला हो सके, देश का भविष्य जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में ना हो। तो मेरा यही सरकार से सर, रीनीट की मांग लगातार की जा रही है। वही कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है दोबारा परीक्षा हो तो हम उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए। देखिए, मैं एक परिवादी के साथ में, क्योंकि मेरे बच्चे ने नीट का पेपर दिया है, उसके 625 मार्क्स हैं, मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूं। जिस बच्चे ने मेहनत करी है, भारत सरकार में 48,000 सीटें एमबीबीएस की, जिस गवर्नमेंट सीट्स जिस पे बच्चा जाता है, एमबीबीएस की मैं बात करता हूं, तो जो बच्चा मेहनती है, जिस बच्चे ने अच्छा पेपर दिया है, वो चाहे दोबारा पेपर हो जाए उसको अच्छा ही करना है जिसने असल में मेहनत करी है। पर इसकी वजह से 24 लाख बच्चों का भविष्य, हरेक का चांस था, हरेक को बराबर चांस मिलना चाहिए पेपर, अगर रियल पेपर हो। सर, बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि काउंसलिंग पर जो है रोक नहीं लगेगी, ऐसे में रीनीट की बात की जा रही है। देखिए, अभी तक आप जो इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास में लोगों ने अपनी मांग रखी, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के एनटीए ने खुद ये मान लिया कि ग्रेस मार्क गलत तरीके से दिए गए, और आज जो है एक फियास्को हो रहा है कि एनटीए अपना 1563 बच्चों के लिए पेपर करा रहा है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये एनटीए ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक अपनी सुनवाई की टाइम दे दी, तब तक के लिए काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि हमें सारी पावर है कि हम कभी भी किसी भी मूवमेंट पे दोबारा पेपर करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर 1 लाख में से एक बच्चों के पास भी पेपर मिलना प्रूफ होता है तो भी ये परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2015 में भी कहा है और अभी भी कहा है। अब ऐसे में तो अनुराग यादव, जिसका खुद कबूलनामा आया, उसने पूरी वो प्रोसेस बताई कि किस तरह से परीक्षा से एक दिन पहले उसके फूफा ने उसको पेपर दिया। ऐसे में एक सबूत की बात करते हैं, यहाँ तो कितने सारे आरोपियों के पास मिले हैं सबूत। देखिए, एनटीए ने जो गलती होती है, मैं इतना समझता हूँ एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जैसे मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो गलती है, ये जो पेपर लीक होता है, ये डायरेक्टर स्तर पे या सरकार के स्तर पे नहीं होता है, ये बहुत निचले लेवल पे, क्लरिकल लेवल पे या प्रेस के लेवल पे ये पेपर माफिया होते हैं, वो निचले लोगों से साठगांठ करके पेपर लीक करवाते हैं हमेशा। इसमें सरकार की बेइज्जती नहीं होगी कि अगर वो उस पेपर को वापिस करा दे। किसी ने सजा, अब सरकार ने एनटीए का डायरेक्टर भी तो बदला है, एक्शन लिया है, पर वो अगले साल कुछ फायदा कर पाएंगे? ठीक है, सरकार ने जांच एजेंसी भी बिठा दी, 2 महीने बाद जांच आ जाएगी, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी बिठा दी। मैं कह रहा हूं कि इस पेपर लीक, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थान में पिछले 5 सालों में अलग अलग विभागों के 19 पेपर लीक हुए, 19 पेपर, और वो जो माफिया है, हाल इतना था कि एसआई राजस्थान के अंदर जो अंडर ट्रेनिंग एसआई हैं, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, उन्होंने पेपर लीक से फायदा उठाया था। ये पेपर लीक तभी रुक सकता है जब इसके अंदर फांसी का कानून हो। लोग जो है पेपर लीक जेल में जाने से उन्होंने डरना बंद कर दिया, क्योंकि वो करोड़ों रुपए कमाते हैं जो निचले लेवल पे माफिया होते हैं, वो कुछ जाके वहां पे जेलों पे भी मैनेजमेंट कर लेते हैं, उन्हें वहां भी कोई तकलीफ नहीं होती है। जब तक इस पे फांसी का कानून नहीं बनेगा ना, दैट विल एक्ट एज ए डेटरेंट, और फिर ये जो है पेपर लीक रुकेगा, नहीं तो पेपर लीक रुकेगा नहीं। ठीक है, आप क्या से किसी ने नीट की परीक्षा दी है? मैंने नहीं दी है, मेरे भाई के लड़के ने दी है। अच्छा, आपके घर परिवार में? जी 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 जी। कितने नंबर आए हैं? 625 नंबर आए थे। 625 नंबर आए। अब ये रीनीट की मांग की जा रही है जी, क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि दोबारा करवाई जाए इसको। अच्छा, जिसे हमारे बच्चे जो है ना वो पीछे रह गए, वो नंबर ज्यादा मिल गए दूसरों को, क्योंकि पेपर लीक हो गया, लीक होने के बाद में दूसरों को ज्यादा नंबर मिल गए। कायदे से तो ये पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से मिले आप, शिक्षा मंत्री से? हम नहीं मिले, अभी नहीं मिले, हम इधर ही आए हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ये लोग आए हैं, मालूम चल जाएगा। आपके घर परिवार में से जान पहचान में किसने पेपर दिया है, किसके समर्थन में आज आप? मैं महावीर सिंह नेतृत्व में आया हूं यहां पर, और आपसे यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को, जब एक संवैधानिक पद है, डिप्टी सीएम बिहार ने बताया है कि पेपर लीक है, तो फिर एनटीए को सोचने नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट फैसला करना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए। मेरी यही मांग आप लोगों के माध्यम से। यहाँ पर मेरे साथ एक नीट एस्पिरेंट भी मौजूद है, क्या नाम है आपका, कहाँ तैयारी की, कितने टाइम तैयारी की, कितने मार्क्स स्कोर किए?
मेरा नाम काजल कुमारी है, मेरे इस बार 623 मार्क्स है, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, मैंने दिल्ली से ही तैयारी की है। हम सब अब ये चाहते हैं कि जैसे कि एनटीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खुद ही डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले कि सीबीआई जांच होगी, मतलब इसका मतलब यह है कि वो काउंसलिंग पे भी स्टे लगाने का डिसीजन ले सकते हैं ना, कि सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। देखो काजल, थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया, दो अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं आप नहीं उसमें सक्सेस हो पाई, तो वो दर्द, वो मेहनत आप समझती हैं कि किस कदर दिन रात एक करने पड़ते हैं। अब ऐसे में कई स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा ना कराया जाए क्योंकि हो सकता है हम उतना स्कोर ना कर पाए। उन सभी स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं पढ़ाई की तो किसी ने नहीं पढ़ाई की। सब निश्चिंत हो रखे थे, 600 प्लस 550 प्लस जिनका आया था किसी ने पढ़ाई नहीं की है। अगर पेपर बहुत टफ आता है, मान लेते कि कट ऑफ कम जाएगा, तो सबका, अगर किसी के 600 नंबर है तो उसके 700 तो नहीं आ जाएंगे तुरंत 10 दिन पढ़ के। जिसके 700 ऑलरेडी आए हैं मेहनत से, उसी के ज्यादा रहेंगे अगर वो एक हफ्ते, दो महीने या एक महीने जितना टाइम मिलेगा रिवाइज करके। और अगर हो सकता है अगर उनके ज्यादा नंबर आए हैं पर उन्हें वो कॉलेज ना मिले, पर अगर दोबारा पेपर ईमानदारी के साथ हो, अगर कम नंबर भी आते हैं और रैंक सही आती है तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, ढंग से सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, आपकी तकसील आई है, क्या लिख रखा है इस पर और क्या आप सरकार से और लोगों से कहना चाह रहे हैं? इसमें लिखा है कि हमें सबके लिए रीनीट चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए। सरकार से तो हम अब उम्मीदें खो चुके हैं, हमें सिर्फ एक व्यक्ति से उम्मीद है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सर से। हम चाहते हैं कि 8 तारीख को वो पैनल लीड करे और बच्चों के हित में फैसले दे और जो इस देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए उसे मिटाए। और भी बहुत सारे आप समीक्षा, अगर देखिए आज ये भी बात कर लेते हैं, जब 1563 छात्रों की आज परीक्षा भी होने वाली है और जिस तरीके से लगातार हम यहाँ छात्रों की मांग भी सुन रहे हैं, एग्जाम रिकंडक्ट करने की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है, ऐसे में अगर एग्जाम रिकंडक्ट नहीं होती है तो इन छात्रों का क्या स्टेप अगला होगा, इन अभिभावकों का क्या कुछ स्टेप देखने को मिल सकता है? देखो आज 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिए थे, आज उनका री एग्जाम हो रहा है। मान लीजिए एक बार को कि अगर रीनीट नहीं होती है तब आप लोगों का क्या टेक होगा? अभी तो फिलहाल इस बात में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि होना ही तो चाहिए, क्योंकि कई सारे सबूत मिल चुके हैं। जब 2015 में जब 44 स्टूडेंट सिर्फ पकड़े गए थे तब रीनीट करवा दिया गया था। यहाँ तो अभी 4-5 स्टेट टारगेट में, अब तो रांची झारखंड भी एड हो गया एक दो दिन पहले, तो होना तो जरूरी है। यही आप लोगों की मांग है? हाँ जी, हम सबकी यही मांग है, क्योंकि जब 44 स्टूडेंट्स में रीनीट हो सकता है तो अभी तो गुजरात का केस, हरियाणा का केस, राजस्थान, बिहार, लगातार ऐसे सबूत के एग्जाम से एक दिन पहले कबूलनामा भी अनुराग यादव का आता है कि मेरे फूफा ने मेरे को पेपर ला के दिया। हाँ जी, और मुझे ये भी कहना है, अगर नेट परीक्षा में ये लोग टेलीग्राम में मान सकते हैं कि पेपर लीक हुए, तो नीट का तो जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन से सब बोल रहे, तो क्यों नहीं मान रहे? उसमें भी चेक किया जाए कि टेलीग्राम पे नीट यूजी की परीक्षा लीक हुई है या नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, लगातार सबकी यही मांग की जा रही है, आप सपोर्ट कर रहे हैं रीनीट की मांग कर रहे हैं, आपके यहाँ से किसने पेपर दिया है? मैं पेरेंट्स हूँ जी। किसने आपके? अच्छा, ये आपकी बच्ची है? जी 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 जी। तो क्या एज अ पेरेंट्स, क्योंकि परीक्षा भले ही काजल की हुई है लेकिन उस दौरान आप भी संग बराबर मेहनत आपने भी की होगी, तो आप क्या मान रहे हैं कि रीनीट हो जाए दोबारा? अजीब सी बात है, एक संवेदनशील सरकार के लिए ऐसी नौबत बच्चों के साथ नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं 23-24 लाख बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ करोड़ों माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस रूट में नीट पेपर में खास करके आप देखेंगे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के फैमिली ज्यादा इंटरेस्टेड है, कई लोन लेकर पढ़ाते हैं, कई कर्ज लेकर पढ़ाते हैं। ये इतना बड़ा डिजास्टर है और देश के पीएम कुछ नहीं अभी तक बोल रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा होती है, रिजल्ट पे कोई चर्चा नहीं होती। अपने डिपार्टमेंट को ढकने के लिए इन्होंने खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में कबूलनामा दे दिया 1563 बच्चे का, ले रहा हूं। आपने कोई डाटा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आपने कितने को ग्रेस मार्क दिया था, आपने खुद ही बता दिया 1563। इस मामले में उनको पता था ये कितना क्रिएटेड है जी। बिल्कुल समीक्षा, देखिए अब यहाँ पर अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, छात्रों का वो दर्द हम लगातार हमारे दर्शकों को भी सुना रहे हैं, छात्रों का दर्द यहाँ पर साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि अपनी कड़ी मेहनत से जब एग्जाम उनके द्वारा दी जाती है और ऐसा अगर पूरा मामला धांधली में जब परिवर्तन हो जाता है, अब यहाँ पर रिकंडक्ट करने की मांग भी परीक्षा को लेकर की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार का रुख देखे तो एक विशेष 7 सदस्यीय टीम भी वहां पर बनाई गई है और इस टीम के द्वारा
उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन छात्रों का भविष्य सुधारा जाए। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस स्पेशल सदस्य जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, अब क्या कुछ इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो फिलहाल समीक्षा आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।